श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज हाईकोर्ट देगा अहम फैसला। हाईकोर्ट तय करेगा याचिकाओं पर सुनवाई होगी या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने उठाए गंभीर सवाल, कहा सुनवाई योग्य नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में शाही ईदगाह कमेटी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 1 अगस्त दोपहर बाद फैसला सुना सकता है। आज हाईकोर्ट तय करेगा कि हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं सुनवाई करने योग्य हैं भी या नहीं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं को शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में CPC के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत चुनौती दी है। लेकिन आइए इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए जरा इन बुलेट पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो दोनों ही पक्षों की मांग को बता रहा है। सबसे पहले आइए जानते हैं इस पूरे मसले पर मुस्लिम पक्षकारों की क्या दलीलें हैं। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता 1968 का है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं, लिहाजा मुकदमा चलने योग्य ही नहीं है। उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, यानी उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती। लिमिटेशन एक्ट और वक्फ अधिनियम के तहत भी इस मामले को देखा जाए, इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में भी हो, ये सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला है ही नहीं। अब आइए जानते हैं हिंदू पक्षकारों की क्या दलीलें हैं। सबसे पहले हिंदू पक्षकार कहते हैं कि ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। CPC का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू ही नहीं होता। मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है। जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी अवैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित है, इसीलिए भी इसमें उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। ASI ने इसे नजूल भूमि माना है, इसे वक्फ संपत्ति नहीं कहा जा सकता। तो आज कई मायनों में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर बड़ा दिन है। आज हाईकोर्ट तय करेगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आगे सुनवाई की जाए या नहीं। वैसे इस मामले के इतिहास पर नजर डालें तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर साल 2020 में वकील रंजन अग्निहोत्री और 7 अन्य पक्षकारों ने मिलकर मथुरा सिविल कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया था। ये याचिका शुरुआत में एक सिविल अदालत ने खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में जिला अदालत ने इसे सुनवाई योग्य माना। 2.5 साल बाद उसी अदालत में अतिरिक्त 17 याचिकाएं दायर की गई। चूंकि मथुरा जिला अदालत में ही इन याचिकाओं पर अलग अलग निचली अदालतें कई दूसरे चरणों में सुनवाई कर रही थी, इसीलिए मामले की संवेदनशीलता और महत्व को देखते हुए हिंदू पक्षकारों की अर्जी पर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समेकित निर्णय के लिए सभी 18 याचिकाएं अपने पास तलब की थी। मुस्लिम पक्षकारों ने इस पर एतराज जताते हुए इन्हें खारिज करने की गुहार लगाई थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये सभी 18 अर्जियां लचर आधार और दलीलों पर दाखिल नहीं की गई हैं, लिहाजा सुनवाई योग्य ही नहीं है। अब देखना होगा कि आज कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। यूपी तक के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।